Indian gymnastics squad has left for the Commonwealth Games without the biggest name Deepak Karmakar, who has been ruled out with a knee injury. But there's another girl from West Bengal, Pranati Das, who will be looking to create history. participate in the Commonwealth Games. कितना मुश्किल था पहले में आज से चार साल पहले और कितना एक्सपीरियंस आपको मिला और कितना कंफर्टेबल इस वक्त हैं आप 2018 के लिए हाँ क्योंकि 2014 मेरा फर्स्ट कॉमन गेम्स था और मेरा सेकेंड इंटरनेशनल था और पोडियम ट्रेनिंग में कभी किया ही नहीं पोडियम पे कभी उठा ही नहीं क्या पोडियम क्या होता है चीज़ वो मुझे पता ही नहीं है हुँ. तो फर्स्ट टाइम उतना एक्सपीरियंस मेरा नहीं था तो अभी मैं चाहती हूँ कि गोलकोस्ट में जाके मैं मेरा पूरा बेस्ट देख के आऊँ एक तरीके से दीपा कर्माकर ने जो जिमनास्टिक का जो एक स्तर है वो उसे उठा दिया है आपको लगता है कि जो आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है हाँ थोड़ा सा तो है लेकिन आ, मुझे लगता है दीपा दीदी ज़्यादा तो हम लोग को बहुत सपोर्ट मिलता पिछली बार जो मिला था हम लोग को क्योंकि दीपा दीदी हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं तो इस बार नहीं जा रहे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा लेकिन दीपा दीदी साइड से तो हम लोग को चेयर करेंगे वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल से आप बिलोंग करती हैं जहाँ से आप आती हैं वहाँ पे जिमनास्टिक का उतना ज़्यादा उतना पॉपुलर नहीं है सही मायने में देखा जाए तो तो कैसे आप जिमनास्टिक्स में आई मैं जयनगर एक छोटा सा वो बोलते हैं विलेज है उधर से आई हूँ क्योंकि उधर अभी तक कलकत्ता में जितना भी प्लेयर है मैं बोलूँगी वो सीजन ही एक क्लब है मैं उधर से उठ के आए हो जयनगर मजिलपुर में सीजन ही क्लब है उधर से ही सब जिमनास्ट जितना भी जिमनास्ट उधर से ही उठ के आ रहे हैं उन लोग का भी बहुत मतलब वो है कि मैं इधर हूँ अभी जो पहले सामने है मेरा कमलिन गेम्स उसमें ही मैं फोकस करूंगी क्योंकि आ, वो बहुत दिन बाद मुझे मिल रहा है एक अच्छा मौका मिल रहा है तो मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ मेरा बेस्ट देके मैं इंडिया के लिए कुछ करके आना चाहती हूँ